भाई लोग, आज विलियम भाई के घर में विलियम भाई ने वीडियो बनाने के लिए कहा, जो कि बहुत ही सख्त जरूरी थी, क्योंकि हर जमाने में लोगों की बहुत सारा परेशानी होता है और ऊंच नीच की घड़ी आती है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि आदमी का काम में दखलंदाजी करता है। अब विलियम भाई का उम्र बहुत हो रहा है, समझिए 70 साल 72 साल, तो पैसे के मामले में भी बेचारे का ऊंच नीच हो जाता होगा। लेकिन आदमी को इतना भी गलत साबित करना नहीं चाहिए। कोई करोड़पति बेचारा नहीं बन गया, तो 10,000 का मामला है वो, तो हम लोग का भी इनके पास पैसा थोड़ा बहुत पड़ा रहता ही है, क्योंकि पतंग बना के देता है। अभी मेन मुद्दा है मसला कि भाई विलियम भाई के पास फोन आ रहा है कि पतंग डुप्लीकेट हो रहा है, मेरे पास भी फोन आ रहा है कि विलियम भाई का पतंग डुप्लीकेट हो रहा है। लेकिन हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि विलियम भाई से हमारा पतंग कलेक्शन होना और ये जाना टोटली समझ लीजिए ओरिजिनल है। इसलिए आज हम आप लोगों को बताएं, हम अभी सब दिखाएंगे उन्होंने क्या क्या बनाया है। अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए विलियम भाई अपना गिलेरे और अल्फिया जोड़ रहे हैं, समझे, गिलेरे अल्फिया जोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को दिखाएंगे बस, ठीक है ना विलियम भाई, कुछ बोलो जो तुम्हारा दिल में है। भैया जो है आदमी बहुत बदलाव कर रहा है, मगर हम किसी का डुप्लीकेट से नहीं बना के अपना स्टैम्प मारते हैं। हाँ ये बात आया है, ये हमारे बाहर से बना के लेके हमको बोलता है ये भी बात, मगर हम किसी आज तक जिंदगी में कभी किसी का गुड्डी लेके डुप्लीकेट स्टैम्प मार के नहीं बेचे। और जितना गुड्डी है वो सब वासी भाई के लिए हम बनाते हैं अपना अपना पर्सनली हाथ से। अब थोड़ा बहुत अपना जान पुराना जानने वाला को विलियम भाई देता है, और कोई नया जानने वाला बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो दे देता था, पर अब ये चीज में विलियम भाई ने पूरा बॉयकॉट लगा रहा है, क्योंकि ये चीज लेके बहुत ज्यादा ही हो रहा है। जैसा कि हम एक चीज आप लोगों को दिखाएं, ये देखिए इनकी पुरानी कमान ढड्डा जो है आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पुरानी कमान, इनका पूरा स्टोरेज देखिए, देखिए वो ये खोपची के अंदर में भी है, आप लोग को मैं दिखा दूं, ये देखिए। फिर ये जो स्टोरेज करते हैं अपना कमान का, ये बिल्कुल देसी बांस है, ये आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को देखने मिल रहा है तो देखिए, ये देखिए ये सब देसी बांस है, ठीक है, ये अपना काट के बिल्कुल बनाते हैं। ये इस हिसाब से समझ लीजिए ये गांठदार कमान अपना हाथ से रुलाई करके कोई कारीगर कलकत्ता में जल्दी नहीं बनाता है, अगर बनाता भी है तो समझ लीजिए वो गांठदार छिला हुआ फैंसी मांगता है, समझे, फैंसी। जैसा मैं आप लोगों को एक बात दिखाऊं कि इन्होंने अभी शाम से कुछ पतंग बनाया है मेरे आने से पहले, ठीक है ना, ये देखिए विलियम भाई ने अपना हाथ से बनाया ये सारा, इनका परिंदा जोड़ना बहुत देखिए काटदार है, ये देखिए विलियम भाई दिखाओ, ये काटदार इन्होंने बनाया है हमारा पतंग, ये मेरा ओरिजिनल बना हुआ है, ये गांठदार कमान भी है सब इनका हाथ का छिला हुआ, समझे, सब गांठदार कमान है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल गांठ सब एक जगह नहीं है, ठीक है ना, यही पहचान है, ये देसी बांस फाड़ के बनाते हैं। पहले के जमाने में होती थी बराबर गांठ, वो इसलिए होती थी कि रेडीमेड कमान मिल जाता था, ठीक है, कुटाई की आप लोग देखिए बहुत बेहतरीन, और समझ लीजिए एक पर एक पतंग आप लोगों को मिलेगी हमारे जरिए से, ठीक है। और हाँ जरूरी और खास बात, ये सारी पतंग अब मैं ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, मेरा दोस्त आ रहे हैं उसके हाथ से ऑस्ट्रेलिया, और सनी भाई खुद आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा बिल्कुल सारा पतंग, समझे, नीचे में ही पतंग है। हाँ वो एक्चुअली और थोड़ा देर बाद हम लोग दिखाएंगे कुछ पतंग जो रेडी हुआ है, विलियम भाई ये पतंग बनाए, ठीक है, ये पतंग बना के कम्प्लीट करे। जैसा कि अभी तो आपको दिखा देंगे, ये कंप्लीट जॉइंट हो रहा है, ठीक है, एक तरफ का हो चुका है, दूसरा तरफ का हो रहा है समझ लीजिए, ठीक है, ये गिला रहा, हम लोग मोमबत्ती बोलते हैं,
और आप लोगों का यूपी में किसी किसी जगह में अल्फिया भी बोलता है, अल्फिया। और मेरा और यागत भाई का तो समझ लीजिए आज बेचारा छोड़ दिया पतंगबाजी, क्योंकि उनको माहौल पतंगबाजी का आज का डेट में पसंद नहीं है। वो भी मुझे कहते रहते वासिफ बाबू तुम पतंग बेच रहे हो बेचो, लेकिन धीरे धीरे लाइन चेंज करो और शौक का दुनिया को भी लिमिटेड कर दो। अभी समझ लीजिए मैंने बहुत दिन से शौक नहीं करा, 15-16 दिन हो गया, 20 दिन हो गया मैंने पतंगबाजी नहीं करी, क्योंकि पतंगबाजी में बहुत घिच हो रहा है भाई साहब, रिलेशन खराब हो जा रहा लोगों से, क्या करें समझ में नहीं आ रही है ये बात, समझे। तो ये आप लोगों को दिखाऊं, देखिए ये रेडी हो रहा है, समझे, ये सारा चीज सब रेडी हो रहा है, इसके बाद थोड़ा देर बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा। और ये विलियम भाई अपना पतंग का कारीगरी दिखाते हुए बिल्कुल तो गांठ कमान छील के अपना हाथ से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश बोलने का मतलब है अपना काम को अंजाम देने का, ठीक है। आज विलियम भाई की 73 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ख़ास बात, अभी यार विलियम भाई की पतंग सड़न नहीं होगी, विलियम भाई की जो लोहे का कड़ाई था उसी की जो है आयरन की जो है ना उसमें लेयर चले आ रहा था, जिसके लिए सड़न हो रही थी। और मैंने ही ये बात विलियम भाई को बताया, कोई भी फॉल्ट होती है तो ऊपर वाला का कर्म से है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आज जो है वो मिट्टी का कड़ाई से कर रहे हैं, मिट्टी का हंडी से ले तैयार कर रहे हैं, तो अब सड़ेगी नहीं, गारंटी है इस बात की भाई, ठीक है ना। ये देखिए भाई साहब कितनी बेहतरीन तैयार कर रहे हैं, बेचारा गरीब अपना मेहनत कर रहा है, ना बच्चा कच्चा है ना कुछ, आंटी के साथ गुजारा करता है और ऐसा ही पतंग बना बना के लोगों को देता है, जिसमें मैक्सिमम मैं ही पा जाता हूँ। अब तो विलियम भाई से मेरी बात हो गई है, पैसा ले लो भाई, सब हमें दे दो, अब मैं सब पूरा ले ले रहा हूँ, समझ लीजिए जिसको भी चाहिए पूरा लीजिए और लेते हुए आइए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके भाई फिर आगे जाके दिखाता हूँ। अभी एक बात बीच में मैं हर बार की तरह बोलना भूल गया, एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग करने के लिए भी मेरा बेटा बोल रहा था, मैं बेटा को बोला था कि विलियम भाई का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बोले चलो एक तो जाके वीडियो बना देते हैं विलियम भाई की खातिर, आज वो वीडियो मेरा बेटा बना रहा है। हाँ उसको शौक होता है ये सब चीज़ का। खैर हम लोग अब ये वीडियो क्लोजिंग पोजिशन में हैं विलियम भाई से, देखिए ये पतंग अभी विलियम भाई ने डायरेक्ट बनाया है, और ये सब पतंग जरा सा दिखा दो बाबू लेके आके, दिखाओ डाउन पोजीशन में सब दिखाओ, ये रेडी हो चुका है ये सब मैं लेके चला जाऊंगा अभी, ये कल मिल जाएगा मुझे डोरा करके। और हर पतंग में घुटाई है, और घुटाई जो है बारीकी से है, और आपका जाके सब गीट कमानी है, और ये सब मैं लेके जा रहा हूँ। कुछ और रखी विलियम भाई दे दो वाला, ये सब लेके हम चले जा रहे हैं। और बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखना, त्रिवेणी पेपर जोड़ने का काम विलियम भाई का माहिर है, अभी ताज़ी है, ये साफ़ होने में बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा बिल्कुल, ये है हिसाब, ठीक है ना। और विलियम भाई कुछ और बताना चाहते हो बताओ। क्या बोले, हम बता रहे हैं जो इतना दिन से गुड्डी के लिए आदमी मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मगर हम गुड्डी बना रहे हैं मगर सिर्फ वासिफ के लिए, वासिफ मेरा घर का लड़का है बस, आर इससे कुछ बेसी नहीं। सबसे बड़ा बात है देखिए, एक बहुत मसालेदार बात है कि एक आदमी 12-16-20 हाईएस्ट बना लेता है, कभी कदर चुप्पी भी लेता है। अब देखिए मैं मोहल्ला में रहता हूँ, पीछे पड़ा रहता हूँ, मैं ले लेके चले जाता हूँ, ठीक है, मुझे नाम कमाने का जरा शौक है, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, मुझे बसता है या नहीं बसता ये मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन नाम एक ऐसा चीज है, नाम बनाने का नशा बहुत जो होता है ना वो दारू का नशा से भी ऊंचा होता है, समझ लीजिए, समझे, ड्रग का नशा से भी ऊंचा होता है। लोग नाम कमाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तैयार होने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर जाता, तो भाई मैं इसमें भी नाम कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मैं सारा पतंग लेना चाहता हूँ, मैं लोगों को देना चाहता हूँ, मैं कलकत्ता में भी दूंगा, जो मेरे साथ रिलेशन जमाएगा मैं कलकत्ता में दूंगा, दे रहा हूँ बहुत लोगों को, अभी कल परसों तक ही मैं कलकत्ते का दो बंदे को दो दो पैकेज बना के देने वाला हूँ, ठीक है, इसे क्या फर्क पड़ता है, सब पतंग मिला मिला के दूंगा, तो भाई बिजनेस है,
तो विलियम भाई का ये वीडियो खास तरीके से बनने का ये बात है, विलियम भाई अपना मेहनत कर रहे जब तक जिंदा है। विलियम भाई का कहने का मतलब है 2-40 हम हो सकता है दुनिया में रहेंगे, ठीक है, हमसे लोग प्यार से पेश आए। और जो पैसा कौड़ी का लेन देन 19-20 हो गया भाई, आदमी कितना रुपया कितने आदमी को दे देता है, हमने भी कितना रुपया दे दिया, कोई हिसाब नहीं लिया भाई, गरीब आदमी हो जाता है। थोड़ा सा भाई इसको खत्म कीजिए बात को, ठीक है ना, ये बात है। और प्यार मोहब्बत से पतंग का दुनिया को कायम रखिए। अब दुनिया तो भाई आखिरी टाइम में आ गया, लड़ झगड़ के खत्म हो रही है, बस पतंग का दुनिया को प्यार मोहब्बत से बांटिए, बात खत्म भाई साहब। खुदा हाफिज, नमस्ते। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा जगह में फैलाइए। ओके।